दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। यूं तो किसी भी इंसान की मौत के बाद उसके शव को या तो जला दिया जाता है या तो दफना दिया जाता है, तो वहीं कुछ शवों को केमिकल से संरक्षित करके ममी बना दी जाती है। ये तरीका प्राचीन मिस्र सभ्यता में बड़े पैमाने पर अपनाया जाता था। मिस्र के अलावा दूसरे देशों में भी शवों की ममी बनाई गई है, जैसे कि इटली का कैपुचिन कैटाकॉम, जहाँ पर सदियों पुराने 8000 शवों को ममी बनाकर रखा गया है। लेकिन दुनिया में कुछ जगह पर प्राकृतिक ममी भी पाई गई है, यानी कि बिना किसी केमिकल के संरक्षित किए गए सदियों पुराने ऐसे शव जो आज भी सामान्य अवस्था में है। ऐसी ही एक प्राकृतिक ममी हमारे भारत देश में भी है, जिसमें से एक गोवा के बोम जीसस चर्च में रखी सेंट फ्रांसिस जेवियर की ममी, जिसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। आज हम आपको एक और ऐसी ममी के बारे में बताएंगे जो कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के गियो गांव में है। ये ममी लगभग 550 साल पुरानी है। इस ममी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। एक खास बात और भी है कि ये ममी बैठी हुई अवस्था में है, जबकि दुनिया में पाई गई बाकी ममीज लेटी हुई अवस्था में मिली है। गियो गांव साल में 6 से 8 महीने तक बर्फ की वजह से बाहरी दुनिया से कटा रहता है, क्योंकि ये गांव काफी ऊंचाई पर स्थित है और ये तिब्बत से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। गांव वालों के अनुसार ये ममी पहले गांव में ही रखी हुई थी और एक स्तूप में स्थापित थी, लेकिन साल 1974 में जब भूकंप आया तो ये कहीं पर दब गई थी। इसके बाद साल 1995 में ITBP के जवानों को सड़क बनाते समय ये ममी मिली। कहा जाता है कि उस समय कुदाल इस ममी के सिर पर लगी और कुदाल लगने के बाद ममी के सिर से खून निकलने लगा, जिसका निशान आज भी मौजूद है। इसके बाद साल 2009 में ये ममी ITBP के कैंप में ही रखी गई। बाद में गांव वालों ने इस ममी को गांव में लाकर स्थापित कर दिया। ममी को रखने के लिए शीशे का एक कैबिन बनाया गया, जिसमें इसे रखा गया है। इस ममी की देखभाल गांव में रहने वाले परिवार बारी बारी से करते हैं। यहां आने वाले पर्यटकों को वह ममी के बारे में जानकारी देते हैं। हर साल यहां पर देश विदेश से हजारों पर्यटक इस ममी को देखने आते हैं। इस ममी के निकलने के बाद जब इसकी जांच की गई तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये 550 वर्ष पुरानी है, लेकिन इतने साल तक बिना किसी लेप के और जमीन में दबी रहने के बावजूद ये ममी कैसे इस अवस्था में है, ये वैज्ञानिकों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। जैसा कि ज्यादातर होता है कि हर प्राचीन चीज से कोई ना कोई किंवदंती जुड़ी होती है, इसी तरह इस ममी के साथ भी एक किंवदंती जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि करीब 550 साल पहले इस गाँव में एक संत रहा करते थे। गियो गांव में इस दौरान बिच्छुओं का बहुत प्रकोप हो गया था। इस प्रकोप से गांव को बचाने के लिए इस संत ने ध्यान लगाने के लिए लोगों से उसे जमीन में दफन करने के लिए कहा। जब उस संत को जमीन में दफन किया गया तो इनके प्राण निकलते ही इंद्रधनुष निकला और ये गांव बिच्छुओं से मुक्त हो गया। जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये ममी बुद्धिस्ट मॉन्क सांगला तेंजिंग की है, जो तिब्बत से भारत आए थे और यहाँ पर जो एक बार मेडिटेशन करने बैठे उसके बाद कभी नहीं उठे। यूं तो मिस्र में ममी को कॉफिन से निकालकर उनकी सफाई की जाती है ताकि वे आने वाले समय में सुरक्षित रह सकें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया जाता। इस ममी की देखभाल मिस्र में रखी गई ममीज की तरह होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस पर्यटन स्थल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अभी तक यही माना जाता था कि इस ममी के बाल और नाखून
लगातार बढ़ते रहते हैं, लेकिन गियो गांव के लोगों के मुताबिक अब इस ममी के बाल और नाखून बढ़ने कम हो गए हैं। बाल कम होने के कारण ममी का सिर गंजा होने लगा है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट mysteriousnightsindia.blogspot.com पर विजिट भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।